दोस्तों कॉन्सेप्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम देखेंगे 15 फीट बाय 45 फीट का हाउस प्लानिंग। 15 फीट 45 फीट में दोस्तों ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड सेकंड फ्लोर, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे रहेगा पार्किंग हॉल प्लस बेडरूम, और फर्स्ट फ्लोर पे 1 बेडरूम हॉल किचन प्लस डाइनिंग एरिया एंड टेरेस फ्लोर जिम बेडरूम एंड ओपन टेरेस। दोस्तों अगर आपको भी कोई अलग तरीके से प्लानिंग करवाना है तो ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहाँ पे व्हाट्सअप कर सकते हो या तो फिर कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो। दोस्तों 15 फीट बाय 45 फीट, 15 बाय 45, जिसमें 15 फीट प्लॉट का चौड़ाई है, जो आप देख रहे हो कि ये जो इसका वीट है यहाँ से लेकर यहाँ तक 15 फीट है, और ये जो प्लॉट का डेप्थ है यहाँ से लेकर यहाँ फ्रंट साइड तक 45 फीट है। तो दोस्तों अभी ये जो आप देख रहे हो ग्राउंड फ्लोर पार्किंग हॉल एंड द बेडरूम, तो यहाँ पे ये पोर्शन में रोड है, यानी कि एंट्रांस पोर्शन है यहाँ से। तो दोस्तों एंट्री से यहाँ से अंदर एंटर होते हैं तो ये पूरा पार्किंग है। अगर आपको फर्स्ट फ्लोर पे जाना है तो यहाँ पे स्टेयर दिया हुआ है जो यहाँ से अपर साइड जाता है। दोस्तों अभी पार्किंग के बाद में हम बात करेंगे। बैक साइड में यहाँ पे हॉल है मल्टीपर्पज, यानी लिविंग रूम में भी यूज कर सकते हो। जो हॉल का साइज है दोस्तों 14 फीट 9 इंच बाय 11 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 14 फीट 9 इंच है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 11 फीट है। दोस्तों ये हॉल को यहाँ पे कॉमन टॉयलेट भी मिल रहा है, जिसका साइज है 4 फीट बाई 4 फीट 8 इंच, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 4 फीट है और ये बैक वॉल से लेकर फ्रंट वॉल तक 4 फीट 8 इंच है। अभी दोस्तों यहाँ पे एक मास्टर बेडरूम भी है, जो बेडरूम का साइज आप देख सकते हो 11 फीट 3 इंच बाई 13 फीट 7 इंच, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 11 फीट 3 इंच है और ये बैक वॉल से लेकर यहाँ तक 13 फीट 7 इंच है। और यहाँ पे ये कॉर्नर में बेड रखा हुआ है, बेड के बिल्कुल सामने अटैच टॉयलेट है, जिसका साइज है 4 फीट बाई 4 फीट 8 इंच, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 4 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 4 फीट 8 इंच है। दोस्तों ये बेडरूम में यहाँ पे अलमारी सेट किया हुआ है, अगर आपको कॉर्नर में भी बेड रखना, सेंटर में बेड रखना है तो ये चीज भी यहाँ पे पॉसिबल है। दोस्तों यहाँ पे बैक साइड में ये जो देख रहे हो ये विंडो है, और ये जो ग्रे कलर में पूरा वॉल है, ये एक्सटीरियर जो वॉल है वो 9 इंच का है और इंटरनल वॉल है वो 4.5 इंच का है। तो दोस्तों यही चीज था ग्राउंड फ्लोर पे 15 बाई 45 फीट में कि पार्किंग है, हॉल है और बेडरूम है। अगर दोस्तों आपको कोई नीचे 2 बेडरूम साइड करना है या तो 1 बेडरूम हॉल किचन भी साइड करना है तो ये चीज भी पॉसिबल है। दोस्तों अभी हम देखेंगे फर्स्ट फ्लोर का हाउस प्लानिंग। जैसे कि यहाँ से स्टेयर से अपर साइड जाएंगे तो दोस्तों यहाँ से अपर आते ही यहाँ पे एंट्रांस पोर्शन है, जिसमें ये आगे की बाजू में हॉल है, बैक साइड में किचन डाइनिंग है और बेडरूम भी है। तो दोस्तों अभी हम देखेंगे, जैसे कि यहाँ से ऊपर है फर्स्ट फ्लोर पे एंट्रांस में, दोस्तों अगर आपको डाइनिंग है यहाँ पे भी सेट करना है तो ये चीज यहाँ पे पॉसिबल है। जैसे कि ये हिसाब से अगर आपको यहाँ पे मंदिर भी सेट करना है भगवान का तो ये चीज भी पॉसिबल है। अभी दोस्तों हम बात करेंगे आगे हॉल की। दोस्तों जहाँ पे हॉल का साइज है 14 फीट 9 इंच बाई 9.5 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 14 फीट 9 इंच है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 9.5 फीट है। दोस्तों यहाँ पे ये विंडो दिख रहा है, यहाँ पे विंडो बड़ा रखने का मकसद यही है कि एलिवेशन में भी सेट हो जाए और ये लिविंग रूम को सनलाइट मिल सके। दोस्तों यहाँ पे एल शेप में पूरा सोफा का सेटिंग किया हुआ है और सेंटर में यहाँ पे सेंटर टेबल है, और ये जो दोस्तों आप देख रहे हो वो टीवी यूनिट है। ये बात था लिविंग रूम। अभी हम बैक साइड देखेंगे तो बैक साइड में दोस्तों यहाँ पे जो स्टेयर के बिल्कुल बाजू में यहाँ पे ये डाइनिंग एरिया है, अगर आपको यहाँ पे कोई स्टोर रूम भी सेट करना है तो ये चीज भी पॉसिबल है। दोस्तों अभी ये देख रहे क्या, तो दोस्तों यहाँ पे जो किचन का साइज है 14 फीट 9 इंच बाई 10 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 14 फीट 9 इंच है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 10 फीट है। यहाँ पे दोस्तों एल शेप में पूरा प्लेटफॉर्म है, और यहाँ पे ये जो देख रहे हो स्टोव है, ये सिंक है, और यहाँ पे ये रेफ्रिजरेटर है, और ये पूरा वॉश एरिया है। अगर दोस्तों आपको रेफ्रिजरेटर को यहाँ पे सेट करना है तो यहाँ पे भी सेट हो जाएगा, ताकि ये वॉश एरिया को कनेक्टिविटी अच्छी तरह से मिल पाएगी। दोस्तों जो वॉश एरिया है उसका साइज है 4 फीट बाई 5 फीट 4 इंच, यानी कि यहाँ पे वॉशिंग मशीन भी सॉर्ट हो जाएगा और वॉशिंग एरिया भी एकदम कम्फर्ट रहेगा। दोस्तों और यहाँ पे था कॉमन टॉयलेट, जो कॉमन टॉयलेट का साइज है 5 फीट बाई 4 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 5 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 4 फीट है।
अभी दोस्तों हम बात करेंगे बैक साइड बेडरूम। जो बेडरूम का साइज है 10 फीट 5 इंच बाई 11 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 10 फीट 5 इंच है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 11 फीट है। दोस्तों यहाँ पे बेड के बिल्कुल सेंटर में बेडरूम के बिल्कुल सेंटर में बेड रखा हुआ है और जिसमें साइड यूनिट यहाँ पे एक ही है, और क्योंकि यहाँ पे अलमारी है तो अगर यहाँ पे दूसरा साइड यूनिट सेट करेंगे तो सेट नहीं हो पाएगा। अभी ये अटैच बाथरूम भी दिया हुआ है ये बेडरूम को, उसका साइज है 4 फीट बाई 5 फीट 4 इंच, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 4 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 5 फीट 4 इंच है। दोस्तों यही था फर्स्ट फ्लोर का हाउस प्लानिंग, जिसमें यहाँ से ऊपर आते वक्त सामने डाइनिंग एरिया है, यहाँ पे आगे लिविंग रूम है, किचन है, बैक साइड में बेडरूम है। अभी हम बात करेंगे सेकंड फ्लोर। जैसे कि दोस्तों आप यहाँ से ऊपर जाते हो सेकंड फ्लोर पे, तो सेकंड फ्लोर पे यहाँ पे ऊपर ही ओपन टेरेस है। दोस्तों एक साथ में आप देख सकते हो कि सेकंड फ्लोर यानी कि टेरेस फ्लोर का प्लानिंग किस हिसाब से है। जैसे कि यहाँ पे ऊपर आए तो ओपन टेरेस है, और दोस्तों ऊपर आने के बाद में बैक साइड में यहाँ पे जिम है। दोस्तों यहाँ पे जिम है, जिम का साइज है 14 फीट 9 इंच बाई 10 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 14 फीट 9 इंच है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 10 फीट है। और दोस्तों यहाँ पे जो आप देख रहे हो विंडो है जिम को वेंटिलेशन मिल सके उसी लिए। और दोस्तों जिम में यहाँ पे जो पूरा देख रहे हो आप वहाँ पे पूरा जिम रखने का इंस्ट्रूमेंट और ग्लास सेट किया हुआ है ताकि जिम बड़ा दिखे। और यहाँ पे जिम को पूरा एक टॉयलेट भी दिया हुआ है जिसका साइज है 4 फीट बाई 5 फीट 4 इंच, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 4 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 5 फीट 4 इंच। दोस्तों अभी हम बात करेंगे बैक साइड बेडरूम में। जो बेडरूम का साइज है 10.5 फीट बाई 11 फीट, यानी कि ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 10.5 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 11 फीट है। दोस्तों ये बेडरूम भी बिल्कुल स्क्वायर जैसा है, उसके सेंटर में ही यहाँ पे बेड रखा हुआ है और उसके सामने यहाँ पे वार्डरोब है। अगर आपको वार्डरोब छोटा करके यहाँ पे दोस्तों टीवी भी सेट करना है तो ये चीज ये केस में पॉसिबल है। अभी ये बेडरूम को एक बाथरूम भी दिया हुआ है अटैच बाथरूम, जिसका साइज है 4 फीट बाई 5 फीट 4 इंच। जैसे कि उसका साइज है ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 4 फीट है और ये वॉल से लेकर ये वॉल तक 5 फीट 4 इंच है। तो दोस्तों यही था सेकंड फ्लोर यानी कि जिम वाला पोर्शन, जिसमें दोस्तों अभी हम एक साथ में देखेंगे पूरा हाउस प्लानिंग, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर एंड द सेकंड फ्लोर, ताकि आपको कुछ अच्छी तरह से पता चल सके कि अगर आपको भी कुछ अलग तरीके से मॉडिफाई करना है तो करवा भी सकेंगे। जैसे कि दोस्तों यहाँ पे पार्किंग था, हॉल था, बेडरूम था, और यहाँ पे ऊपर आने के बाद हॉल, यहाँ पे डाइनिंग, किचन और बेडरूम, सेकंड फ्लोर पे ऊपर आने के बाद जिम है और बेडरूम है। दोस्तों एक बार वापस जूम करके पूरा प्लानिंग देख लेते हैं ताकि अगर आपको भी कुछ देखना है साइज वगैरह तो आप देख सकोगे। अगर आपको भी कोई अलग तरीके से दोस्तों प्लानिंग करवाना है यही साइज में तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, या तो फिर मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप वहीं पर कॉन्टेक्ट भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्रेंड सब्सक्राइब करना मत भूलिए। अगर आपको कोई अलग तरीके से प्लानिंग करना है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, या तो फिर ये जो मेरा व्हाट्सअप नंबर है वहाँ पे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हो। थैंक यू।